स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ महमूद मदनी के समर्थन में बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले बौद्ध धर्म आया, उसके बाद ईसाई धर्म और फिर इस्लाम धर्म आया, फिर बाकी धर्म पैदा हुए। अब आपको ये बता दें कि मदनी ने कहा कि भारत ही इस्लाम की जन्मस्थली है। जो सबसे पुराना धर्म है वो सनातन है। सनातन धर्म कोई अलग से परिभाषित नहीं है। मानते हैं कि इस्लाम ही यहाँ का सनातन धर्म है। जो ऐतिहासिक साक्ष्य अब तक आए हैं, सबसे पहले ईसा से 500 साल पहले, 250 साल पहले भगवान बुद्ध का धर्म आया, उसके बाद ईसाई धर्म आया, उसके बाद इस्लाम धर्म आया और उसके बाद तमाम धर्म और पंथ पैदा होते रहे।